सिंगर कनिका कपूर ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी जांच नहीं की गई थी, एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। दरअसल कनिका कपूर लंदन से लौटी थी, लखनऊ कानपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुई थी और फिर उसके बाद कोरोना पॉजिटिव कनिका कपूर पाई गई थी और कनिका कपूर को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। उन पर सवाल खड़े हुए थे कि वो लंदन से लौटने के बाद क्यों कोरोना बम बनकर फिरती रही और कई पार्टीज में शामिल हुई, लेकिन ठीक होने के बाद कनिका कपूर ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई थी, उनकी जांच पड़ताल नहीं की गई थी। ये बड़ा खुलासा कनिका कपूर के हवाले से हुआ है। आपको बता दें कि यूके मुंबई और लखनऊ में लोगों से मुलाकात की थी कनिका कपूर ने और कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद हड़कंप मच गया था पूरे प्रशासन में, खासकर लखनऊ और कानपुर में हड़कंप मच गया था। जिन जिन लोगों के संपर्क में वो आई थी उन लोगों को जांचा परखा गया था। हालांकि वो लोग जरूर कोरोना नेगेटिव निकले थे। मेरे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, कनिका कपूर जिनकी वजह से कई लोग परेशानी में आए, उन पर सवाल खड़े हुए, अब उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। संतोष, कनिका कपूर ने पहली बार जब कोरोना का पूरे तरीके से मामला के चलते ये चर्चा में आई, इसका पहली बार इन्होंने चुप्पी तोड़ी है और ये इंस्टाग्राम पर इन्होंने ये एक तरीके से ये मैसेज उनका वायरल हो रहा है कि जब 10 मार्च को यूके से मुंबई आई तो साथ उन्होंने लिखा है कि वो ड्यूली स्क्रीन एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी उनका एक सरसरी तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई थी। लेकिन जो कनिका कपूर ने बड़ा आरोप लगाया वो ये है कि उस समय पर यूके की कोई ट्रेवल एडवाइजरी नहीं जारी हुई थी, क्योंकि 18 मार्च से ट्रेवल एडवाइजरी जारी हुई थी कि जो विदेश से लोग आएंगे वो 14 दिन को तक सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन कनिका कपूर 10 मार्च को आई थी और ये एडवाइजरी 18 मार्च को जारी हुई थी। लिहाजा कनिका कपूर का कहना है कि चूंकि उनकी स्क्रीनिंग में कहीं कोई ऐसा टेस्ट नहीं आया था, लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद को क्वारंटाइन नहीं किया और ना ही उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स लगे कि उनको लगे कि कोरोना से पीड़ित हो चुकी है। इसी के चलते 14 और 15 मार्च को उन्होंने लखनऊ में एक पार्टी में गई और उसके बाद से इस बात का भी खुलासा किया कनिका कपूर ने कि उन्होंने ही जब अपने अंदर कोरोना के सिम्टम्स देखे तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटलाइज करा दिया और पूरा क्वारंटाइन का कार्यकाल जो पूरा हॉस्पिटल में रहने के बाद और घर में इस समय पर वो अपने माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ सेल्फ क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है। यानी कि कनिका कपूर ने बड़ा ही खुलासा किया है कि वो जब आई थी उस समय पर उनका सरसरी तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर टेस्ट जरूर हुआ था लेकिन उस समय पर क्वारंटाइन करने के लिए, सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी, जिसके चलते उनके ऊपर जो आरोप लग रहा था कि आखिर अगर वो यूके से आई थी तो उन्होंने खुद को क्यों नहीं सेल्फ क्वारंटाइन किया, उन्होंने खुद 14 दिन तक खुद को क्यों नहीं बचा कर रखा और वो क्यों सफर करती रही, इस पर कनिका कपूर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो जब आई थी उस समय पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी, 10 मार्च को वो यूके से मुंबई पहुंचती है और 18 मार्च को ये एडवाइजरी जारी हुई, 10 मार्च को जब यहाँ आती है तो उस समय पर कोई एडवाइजरी नहीं थी, लिहाजा वो ट्रैवल करती रही और सेल्फ क्वारंटाइन उन्होंने तब किया या यूं कहा जाए कि उन्होंने अपने तरफ से इनिशिएट लेने के बाद ये कोरोना का टेस्ट कराया, कोरोना टेस्ट जब पॉजिटिव आया तो उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बिल्कुल संतोष, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कनिका कपूर जिन पर सवाल खड़े हुए थे कि वो जब विदेश की यात्रा करके लौटी थी तो क्यों वो पार्टीज में शामिल होती रही, उन्होंने होम क्वारंटीन खुद को क्यों नहीं किया, लेकिन अब कनिका कपूर ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि जब वो लौटी थी यूके से तो मुंबई एयरपोर्ट पर सरसरी तौर पर उनका जो परीक्षण था वो हुआ था, लेकिन किसी भी तरीके की कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी तब तक, चूंकि 10 मार्च को वो लौटी थी और 18 मार्च को ये जो एडवाइजरी है वो जारी हुई थी, ना ही उनको किसी ने कहा था कि उनको होम क्वारंटीन रहना है, इसी वजह से वो बेफिक्र घूम रही थी और कई पार्टीज़ का हिस्सा भी बनी थी। अब कनिका कपूर का ये कहना है कि उनको अपने अंदर जैसे ही लक्षण दिखे थे
वो तुरंत गई थी डॉक्टर के पास अपनी जांच पड़ताल करने के लिए, और उसके बाद कोरोना संक्रमित वो पाई गई थी। यानी साफ तौर पर जो आरोप लगे थे कनिका कपूर पर, उन आरोपों पर अब चुप्पी तोड़ी है ठीक होने के बाद कनिका कपूर ने। आपको बता दें कि कनिका कपूर कोरोना से जंग जीत चुकी हैं और डिस्चार्ज होकर अपने घर पर हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं और सेल्फ क्वारंटीन है इस वक्त। उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है क्योंकि एहतियातन कोरोना के मरीज को ठीक होने के बाद भी 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होता है, जिसे कनिका कपूर पूरा कर रही हैं। लेकिन ऐसे में कनिका कपूर की ये खुलासा है वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि कनिका कपूर जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आई थी वैसे ही बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। कनिका कपूर पर गंभीर आरोप लगे थे, आरोप यहाँ तक लगे थे कि जानबूझकर उन्होंने अपने यूके से लौटने वाली बात सबसे छुपाई, जानबूझकर उन्होंने होम क्वारंटीन वो नहीं हुई, जानबूझकर वो पार्टीज में शामिल होती रहीं। लेकिन अब कनिका कपूर ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो उनकी फौरी तौर पर एक या यूं कह लीजिए कि औपचारिकता निभाने के लिए उनकी जांच जो है हुई थी, और वहाँ पर कोई लक्षण नहीं थे तो उनको किसी ने कोई निर्देश नहीं दिया था कि उनको होम क्वारंटाइन होना है या नहीं होना है। और इसी मिसकम्युनिकेशन के चलते वो पार्टीज में शामिल हो गई, अलग-अलग समारोह में शामिल हो गई। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे। तो यह बड़ा खुलासा बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की तरफ से किया गया है। कनिका कपूर उस वक्त चर्चा में आई थी जब उनकी जो टेस्ट है, कोरोना का जो टेस्ट हुआ था उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और फिर आनन फानन में उन तमाम लोगों को जांचा परखा गया था जो उनके संपर्क में आए थे, और तमाम नामी ग्रामी लोग उनके संपर्क में आए थे उस दौरान। हालांकि गनीमत रही थी कि उनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला था, लेकिन हड़कंप मच गया था, कियोस्क पैदा हो गया था कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद। और उसके बाद अब कनिका कपूर जैसे ही ठीक हुई और अपने घर पर फिलहाल वो हैं, वैसे ही उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर चुप्पी तोड़ दी है, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। 11 मार्च को लंदन से लखनऊ पहुंची थी, 13, 14, 15 मार्च को वो 2-3 पार्टियों में शामिल हुई थी, ये उनका उस दौरान का शेड्यूल रहा था। और 16 और 17 मार्च के दरमियान उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था।